नमस्कार दगड़ियों, पहलाग मैं सुशीला भंडारी शल्ट पे। देखो आज मैं जा रही हूँ दुर्गा महोत्सव मानिला में। और दगड़ियों जब मैं पैदल पैदल आऊँची तो मके जो था मल खैर पढ़ाई ले इति बती का। मैं डिग्री कॉलेज मानिल में सन 2008 में क्या कहते हैं मल बीए को और एमए मल खैर रामनगर बकर। और मैं तुमको बताऊँ कि देखो दगड़ियों जब मैं आई कि हमारे ईद का तो खूबसूरती सब प्रकृति की देखो। यो चीड़ा पेड़ छी उसी नहाए क्या कहने सौ डॉला कहनी और कहा डॉला कहनी। और देखो तब कुछ सुंदरता जो है पेड़ों में बस लगूँ कि ये पृथ्वी या क्या कहते हैं प्रकृति को गोद में समा जाए ऐसा लगता है यहाँ देख के। और ये देखो देवदार के पेड़ कितने सुंदर देवदार के पेड़ हैं। मैं तुमको लगा हूँ कि यह सुंदरता नांगली में है। यह उत्तराखंड देवभूमि था, ये देवों की भूमि है। देखो ये प्रकृति का देन है, हमको ये जो इतनी खूबसूरती इतना सुंदर है यह प्रकृति का देन है। तो मैं यह लगाओ कि शिमला में आप यह चीज़ का लोग देखो जानी कुल्लू मनाली ये इस चीज़ को देखने के लिए जाते हैं। जो चीज़ आज हमारे आँखों देखिए और क्या कहते हैं हमारे आस पास ही है उसको लोग बाहर होकर रहे। पर मगर और बात है कि चीज़ें दुख नहीं है, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और बहुत भल लगा मगर ये देखे। लेकिन मगर थोड़ा बहुत कुछ लोग गेस्ट यहाँ पर रहनी जो हमारा प्रकृति जगह खिलवाड़ कहीं और क्या कहते हैं वातावरण के दूषित कहीं और क्या कहते हैं गंदगी फैलाएं। देखो यह एक चीड़ा ऊँचा छता बैकर के नहीं है, यह का तो खूबसूरत था यह फ्लावर रूम वाला काम को। और यह भतेर बादाम हनी और यह हमारा स्वास्थ्य लीजिए बहुत लाभदायक हनी। लेकिन मैं तुमको बताना चाहूँ कि जो यह छ देखो कुछ लोग यहाँ ये आई उन्होंने आप चेंजली एक हैगीजा खरीदी। कुछ लोग ये आई उन्होंने जश्न मनाना लीजिए। ये देखो बोतल बोतल थी और यहाँ ये थे कुरकुरे जश्न मनाया। ये नहीं कि जगह जगह पर कहीं पे एक जगह पर इस डस्ट को इकट्ठा करके और क्या कहते हैं इसकी सुंदरता को क्या कहते हैं वो ना करे दूषित ना करे। यह हमारे लीजिए कुफैद सा दगड़े यदि एक ये जगह इकट्ठा कर भाई ये डस्टबिन हो या क्या खजर हो डाली जाना जाता जबकि जग जगहों को लिख ला रहा कि यह जगह को गंदा नहीं करना है। लेकिन को समझाओ यदि हम उन्हें कह दिल आना जब तो उल्टा हम हैं कि उनको समझ कुछ नहीं आती है। कुछ लोग जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं गंद फैलाने के लिए। मैं सबसे नहीं कह रही हूँ आप ये मत कहना कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं ये ना चाहें कि मैं किसी से कह रही हूँ। लेकिन मैं उन लोगों से कह रही हूँ जो बुद्धिजीवी हो के भी जो है अपने बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते हैं। ये देखो कितनी गंदगी फैला रखी है, कितने लोग बाहर से आ रखे हैं। और देखो ये जो हमको स्वेटर है आज नहीं हमको स्वेटर जरूरत है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाए इतनी ठंड है। ये क्या कहते हैं जेठ आषाढ़ में भी इतनी चढ़ी धूप है जबकि यहाँ पर बिल्कुल शांति वातावरण और क्या कहते हैं इतनी ठंड हो रही है। मैं तुम लोगों है निवेदन था कि गंदगी झलकया हाथ जोड़ी से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्या कहते हैं वो करो क्या कहते हैं सचेत करो कि यहाँ पैसा है वहाँ पैसा है। जब तुम सुधरा तो देश ऑटोमेटिकली सुधर जाए।